दोस्तों, आज का वीडियो जो मेरा है वो PUK कोड के बारे में है कि PUK कोड क्या होता है। हाँ, और ये जब मोबाइल पे लग जाता है तो ये मोबाइल को हम कैसे खोलते हैं। एक बार मेरे मोबाइल पे लग गया था, मैं बहुत परेशान हुआ था, उसके बाद खुला था, तो मैं उसका एक वीडियो बनाऊँ लाइव। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपका मोबाइल लॉक हुआ है उसमें जो सिम लगा है उसका नंबर ले लेना होगा। उसके बाद कस्टमर केयर के पास आपको कॉल करना होगा। तो मैंने कस्टमर केयर के पास कॉल किया है और उसके बाद वीडियो बनाया, तो आप वो रिकॉर्डिंग सुनिए। तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना रहा हूँ। सेवा को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करें अपनी उंगलियों की। नमस्कार, मैं वोडाफोन सतीश के, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है। बताएं अक्षय जी। हाँ सर, मेरा एक वोडाफोन का सिम है जो इस समय ब्लॉक्ड हो गया, POK कोड मांग रहा है, उसी के बारे में हमें POK कोड चाहिए था। बताइए नंबर। यस सर, 9595 65 65 95 95 95 हो गया। 57 57 12 12। चेक कर रहे हैं। ओके, 9565955712। बिल्कुल PUK कोड की जानकारी चाह रहे हैं तो गलत 3 बार पिन डालेंगे, PUK मांगेगा, और 10 बार गलत PUK डाल देंगे तो सिम आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो PUK कोड लिखिए 44 44 77 77 55 55 87 87। एक कोड डाल करके ओके करिए। नया कोड मांगेगा जिसमें 1 2 3 4 डालेगा। ओके सर, एक मिनट, डाल रहे हैं। फिर से ओके करेंगे, आपसे कंफर्म कोड मांगेगा, फिर से 1 2 3 4 डालेगा, सिम कार्ड आपका खुल जाएगा। इस तरह की दिक्कत से दोबारा बचने के लिए सेटिंग में जाइए, सिक्योरिटी सेटिंग में जाइए, वहाँ पे जो सिम पिन लॉक होता है उसे ऑफ कर दीजिएगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। ओके सर, बिल्कुल अपने मोबाइल को आप स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं, कोई कोड मांगता है तो 1 2 3 4 डालेगा। ओके ओके सर, हो गया। बिल्कुल डायल करिए 4 1 1 सर, थोड़ा फोन कॉल करने के लिए धन्यवाद। ओके सर, बाय, धन्यवाद। जैसा कि आपने कंपनी की आवाज़ सुना तो मैं यहाँ पे PUK कोड डाल रहा हूँ। PUK कोड का मतलब होता है पिन अनलॉक। तो देखिए, जो कंपनी ने मुझे पिन दिया उस पिन को मैं यहाँ डाल देता हूँ। डालने के बाद ओके करने पर न्यू इंटर पिन मांग रहा है, तो 1 2 3 4 डाल दीजिए यहाँ पे आप। 1 2 3 4 डालने के बाद ओके ओके करने के बाद फिर वेरीफाई पिन बोलेगा, 1 2 3 4 डाल के ओके कर दीजिए। अब आपका मोबाइल जो है वो एकदम खुल गया। ये मेरा नोकिया का मोबाइल है, ये खुल गया फ़ोन। खुलने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। हाँ देखिए, मैं ओके कर देता हूँ, अब मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद हमें करना क्या है, बैक आना है, उसके बाद हमें सिक्योरिटी पे जाना है, जो सिक्योरिटी लिखा हो। सिक्योरिटी पे आने पर लिखा है इम पिन कोड चेंज ऑफ, तो यहाँ से पिन जो 1 2 3 4 पिन हमें फिर वापस डाल के 1 2 3 4 पिन डाल के ओके करके ईरो बता रहा है, फिर से डालते हैं 1 2 3 4 डालने के बाद फिर ओके कर देना है और ये ऑफ हो चुका है।